भगवान महावीर की मूल साधना आत्मा और शरीर की भिन्नता जीव व अजीब का ध्यान ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है महापरपर्युषण का तीसरा दिवस आप सब के लिए मंगलकारी हो शुभ हो आपके भीतर ज्ञान दर्शन चरित्र की त्रिवेणी अज्ञान क्या है मिथ्यात्व क्या है आपने बहुत बार सुना होगा प्रभु की वाणी के द्वारा कि जीव अनादि काल से हम सब जीव अनादि काल से चार गति चौरासी लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं ऐसी कोई गति स्थान नहीं छोड़ा जहां मैं और आप एक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण किया है हमें कुछ याद नहीं पहले कहां से आए थे याद नहीं आगे जाएंगे कहां याद नहीं इतना अज्ञान और मोह और मिथ्या तो है तो क्या है अज्ञान क्या है मोह और क्या है मिथ्यात्व इसको आप थोड़ा समझ लें मिथ्यात्व 25 बोल के थोकड़े में आता है मिथ्यात्व जीव को अजीव माने तो समझे तो जाने तो मिथ्या अजीव को जीव माने तो मिथ्यात्व धर्म को अधर्म माने तो मिथ्या अधर्म को धर्म माने तो मिथ्यात्व जीव और अजीव को मानना जीव क्या है और अजीव क्या है दो प्रश्न जीव और अजीव और भेद विज्ञान ये पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से शासन देवों की कृपा से वितरक तरक्सा का निशा जी की अथक श्रम से साधना से हमें जो वाणी आपको भी मिली मुझे भी मिली बस भेद ज्ञान कर ले भेद विज्ञान भेद विज्ञान से आत्म ज्ञान आत्म ज्ञान से ही केवल ज्ञान जब तक भेद नहीं हुआ हम भटकते रहेंगे कितने संयम धारण कर लें पुण्य मिल जाएगा दान कर दो, संयम कर लो तप कर लो पर भेद नहीं किया भेद विज्ञान भेद विज्ञान क्या दो तत्व जीव और अजीव दोनों अलग अलग है जीव देह में है पर जीव देह नहीं है देह जीव नहीं है मैं देह में हूं पर देह से अलग हूं इसको कहना नहीं सुनना नहीं रटना नहीं क्या करना इसको अलग अनुभव करना है अनुभूति में लाना है नहीं होगा शुरू शुरू में क्योंकि आजादी काल का मिथ्यात्व हमारे पर है परंतु भेद करोगे कैसे भेद करोगे ये देह देह में क्या है अशुचि भरा दे हाद मास रक्त भल भी माता पिता के संयोग से बना ये देह इसको अपना माना और देह में जो आत्म तत्व है जो आत्मा है जो निर्लिप्त है शुद्ध है पवित्र है अष्ट गुणों से युक्त है सबके देह में आत्मा है वो कभी लिप्त नहीं रहता वो निर्लिप्त ही रहता है वो अलग है और देह अलग दोनों को अलग अलग मानना जानना अनुभव करना कुछ भी कार्य करो देह कार्य कर रहा है मैं मात्र जीव दृष्टा हूं इसका ज्ञान होना ज्ञान तो आपको हो गया पर इसका अनुभव करना प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभव हो जाए तो आगे पढ़ जाते तो हमें ये ज्ञान ही नहीं हमें पता ही नहीं जीव और जीव का बोध ही नहीं इस कारण हम सभी चार गति चौरासी लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया है जिस गति में गए मान लीजिए आप देव गति में गए तो देव का शरीर मिला तो हमने मान लिया मैं देव मनुष्य गति में गए आपको मनुष्य का शरीर मिला स्त्री का मिला पुरुष का मिला मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूँ आप पशु योनि में गए कोई भी गया पशु योनि में गए जिस पशु में गए उसको अपने देह को अपना मान लिया नरक गति में गए नरक को अपना मान लिया ये अज्ञान है ये मिथ्यात्व तो है क्योंकि वो तो देह है तुम जीव हो मैं जीव हूं देह चाहे देव गति मिली चाहे मनुष्य मिली चाहे पशु मिली मैं अलग हूं इस जिस शरीर को हम अपना मान लेते हैं आप देखो अभी आपका जो जन्म हुआ आपको माता पिता ने नाम दे दिया नाम दे करके पूरा जीवन हम किसके आधार पर रहते हैं मैं अपने नाम पर कहता मैं शिव मुनि मुझे नाम माता पिता ने दिया शिव कुमार रखा फिर शिवमुनि बन गया शिव साधु भी बन गए साधु बन कर के अध्ययन भी किया प्रवचन भी दिए पर शिवमुनि अलग है जीव अलग है जीव शिवमुनि नहीं है जीव का ना कोई नाम है ना गोत्र है ना लिंग है ना कोई विचार है ना मन है ना बुद्धि है ना इंद्रिया है क्या है फिर आप जीव का जो गुण धर्म है और जो देह का गुण धर्म है दोनों को आप अलग अलग जानो और मानो बस ये विधि आपको समझ में आ गई जैसे मुझे जो शरीर मिला नाम मिला उसके साथ संबंध मिले परिवार मिला माता पिता मिली दीक्षा ले ली दीक्षा के बाद ये संसार बन गया शिष्य इसको मैंने अपना मान लिया और मैं जो जीव हूं उसको भूल गया तो क्या हुआ अजीब में आ गए कर्मों का बंधन तो हो गए तो धर्म नहीं मिला जीव और अजीव का भेद होना सबसे बड़ी बात है जीव का ना कोई लिंग है ना नाम है ना पद है ना कोई माता पिता है ना कोई संबंधी है ना कोई कुछ जीव का नहीं जीव तो अकेला एक में सा नान धन सन संजीव में बहिरा भावा सभ्य संयोग लखना ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण एक में सासे अप्पा अप्पा आत्मा अत्ता आत्मा एक शाश्वत आत्मा शाश्वत का मतलब उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता को, कोई ठोस लग नहीं सकती वो शाश्वत आत्मा तुम तुम्हारे देह के भीतर थी है रहेगी बस कुछ करना जो भी करना देह एक उपयोगी साधन है उसका उपयोग करोगे जैसे आप घर में रहती हैं आपका अपना कमरा है ड्राॅइंग रूम है सेटिंग रूम सब कुछ है पर वो तुम देह तुम कमरा नहीं हो कमरे में रहने का एक साधन है देह में जीव भीतर है ये देह ओढ़ा हुआ है इसने। आपने वस्त्र ओढ़े हैं जैसे वस्त्र जब मर्जी बदल सकते हो परंतु ये देह आप नहीं बदल सकते आयुष कर्म के अधीन है जैसे आयुष रहेगी वैसे ही देह रहेगी तो अज्ञान क्या है भगवान कहते हैं अज्ञान और मोह अज्ञान क्या है कि हमने जीव और अजीव को एक मानना जीव अलग है दोनों अलग अलग है तलवार में म्यान अलग है तलवार अलग है दूध में मक्खन अलग है और दूध अलग है तिल में तेल अलग है तिल अलग है ऐसे ही भेद विज्ञान करते हुए यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप कर्मजदा करते हैं आप अनंत अनंत कर्म नजत कर सकते आज का जो आप सूत्र सुन रहे हो कैसे भगवान के पास गए एक वाणी सुनी और ज्ञान प्राप्त हो गया और माता पिता से आगे मांगी और दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के बारह वर्ष का संयम सोलह वर्ष का बीस वर्ष का वो क्या कारण था उन्होंने भेद ज्ञान सीखा भगवान ने सबसे पहले बोध दिया था तुम जीव हो जीव के सिवाय तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं तो हम अपने को क्या माने जीव माने जीव हम बहुत गहरा मिथ्या तो है जैसे ही कोई व्यक्ति आपके पास आता है आपका नाम लेता है आपको नाम का स्मरण होता है आपकी प्रशंसा करता है आपका मित्र बन जाता है आपकी निंदा करता है आपका शत्रु हो जाता है हम उसके पीछे जीवन भर लगे रहते हम भी लगे रहते हैं हम आपकी बात नहीं करते हमारा जीवन भी ऐसा ही है चाहे मुनि बन गए पर जीव और अजीव का भेद करना बहुत बहुत ज़रूरी है तभी आपके आपका मोह कम होगा मिथ्यात्व क्या है कि मैं देह हूँ मैं शिव मुनि हूँ मैं साधु हूँ मेरे इतने शिष्य हैं मैं अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ जहां कर्ता भाव आ गया मैंने किया मैंने किया उपकर्म बंधन का कारण है। आपने देखा देवी माता ने आहार दिया शंका हुई किस प्रसन्नता से आहार दिया कैसे भगवान के पास गई भगवान से समाधान मांगा ऐसे ही कर्ता भाव नहीं आया कि मैंने दान दिया सिंह मोदक दिए लड्डू दिए और बहुत कृतज्ञता के भाव से होकर के हार दिया आप कुछ भी करो अब भेद करना शरीर और आत्मा आप दान भी देते हो दान कौन देता है जीव नहीं देता शरीर के द्वारा आप दान देते हो बहनी भोजन बनाती है शरीर के द्वारा भोजन बनाया जाता है आप तपस्या कर रहे हो चाहे आप उपास करते हो अम्बल करते हो केला करते हो चोला करते ये कौन कर रहा है शरीर के द्वारा तप हो रहा है जीव तो मात्र दृष्टा है इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है बहुत सूक्ष्म विधि है जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें मिली है जीव पर श्रद्धा कर और समस्त अजीव अजीव का मतलब जो भी जीव के अलग है आपका धन पद प्रतिष्ठा मित्र बंधुगण जो भी तुम्हारे पास समान है जीवन भर तुम संग्रह किया है या करोगे वो तुम्हारा नहीं ये पिंड ये शरीर पुद्गल का है पुद्गल का मतलब जो गलता है सड़ता है विध्वंस होता है पनता है बिगड़ता है जीव को कुछ खरोच नहीं आती जीव किसी भी गति में किसी भी योनि में नरक में भी चला जाए तो फिर भी जीव वहाँ अपने आप में स्थित हो करके के कर्म काट लेता है और नजरा करके आगे बढ़ जाता है तो ये जानना जीव पर श्रद्धा करना और समस्त अजीव प्राया है पुदगल और पिंड ये पिंड पुदगल का है ये पराया है, इसको पराया जानो कुछ भी कार्य करो ये तुम नहीं हो जब तुम अपने को मान ले, मैंने अपने शरीर को अपना माना जीव को भूल गए वो क्षण मेरे मिथ्यात्म में चले गए ये सबसे बड़ा मिथ्यात्म मैं शरीर मेरा शरीर मैं कौन हूं मैं जीव बस मैं जीव कहो आत्मा कहो कुछ भी कहो मैं जीव और जीव है कहां जीव कहां विद्यमान है तुम्हारे शरीर में कोई निराकार उसका आकार है ही नहीं जो आकार है वो मिटेगा बहेगा माता पिता शरीर के हैं बहन भाई शरीर के हैं परिवार शरीर का है जाति कुल परंपरा जो है शरीर की है जीव निराकार है इस पर अटल श्रद्धा रखते हुए उन जिन वचनों पर विश्वास करते हुए उसमें स्थित रहना उसमें जीना हर श्वास मैं जीवात्मा देह पिंड पर आया इस तरह से आप जीव और अजीव का भेद विज्ञान करोगे तो ये अज्ञान टूटेगा और मोह टूटेगा तो आज महाप्रभपुरुष्ण के तीसरे दिन पर हम अपने अज्ञान मोह और मिथ्यात्व कहाँ कहाँ जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व है वो कैसे दूर हो सकता है विधि भगवान से भेद विज्ञान के द्वारा जीव और अजीव का भेद करते हुए हर कार्य में उसमें जोड़ें और आगे बढ़ें आपका मंगल होगा शुक्र आंखें बंद मन वचन का शांत शरीर शांत विचार शांत सृष्टि शांत वातावरण शांत हर दिशा हर किनारा शांत 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 सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए तुम केवल 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 आत्मा जीव और अजीव का भेद कर दीजिए इस देह में आत्म तत्व विद्यमान सिर के सिर सिपाँह के मुठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए भेद कर दीजिए आकार में जो शरीर का आकार है आंख नाक कान, कांच गर्दन बुझाएं छाती पेट पीठ जंघा घुटने टांगे इसमें निराकार तत्व आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए भेद कर दीजिए आकार में निराकार का भेद करते हुए स्वयं में स्थित रहें चित्त हमारा शे हो ਸਤ ਗੁਣ ਸੇ ਭਾਰੇ ਜਾਏ ਚਕਿਤਾ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਸਤ ਗੁਣ ਸੇ ਭਾਰੇ ਜਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੁਣਾ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਮਾਸ सेवा करुणा रही मनमानस लहराई लहरा सबका भला हो सबका मंगल हो सबका शुभ हो इसी में एक लंबा सांस लें और यहांत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें एक और लंबा गहरा सांस अरिहंत परमात्मा के चरण में नमन और वंदन दोनों हाथों को आंखों के ले जाएं हल्का स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकें